नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कुछ लोगों के कमेंट थे कि CRT के चार्जर को लेके, और ये काफ़ी कमेंट रोज़ कुछ ना कुछ लोगों के आ रहे थे। किसी का ये बनाने में प्रॉब्लम हो रहा था, किसी को ये आ रहा था कि कैसे चार्ज करें। बल्कि हमने जो है इसके दो वीडियो बना चुके थे, लेकिन आज आपको इसमें क्लियर बता दे रहे हैं कि बार बार आपको ये ऐसा ना हो कि इसमें प्रॉब्लम हो बनाने में, क्योंकि बहुत इजी तरीके से आपको बता रहे हैं और इससे इजी जो है कोई और तरीका नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम दो कैपेसिटर लेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक। ये कैपेसिटर, ये आपका 150 mFd, ये 450 वोल्ट, यहाँ पे हमने 200 लिखा हुआ है, लेकिन ये 450 वोल्ट, और ये भी 450 वोल्ट, ये 220 mFd लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप जो है 150 या 100 mFd और 450 वोल्ट गुड़े दो, यानी दो कैपेसिटर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसमें ये करना है काम कि ये जैसे हमारा दो कैपेसिटर है, तो इसको जो है ऐसे, यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस है, फिर यहाँ पे ये माइनस है, यानी जैसा सिंबल बना होता है, ये देखेंगे, ये लाइन ये बताएगा माइनस है, यानी ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो निगेटिव का आपका क्लियर हो जाएगा तो पॉजिटिव अपने आप क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे दो ही पिन हैं। अगर एक यहाँ पे क्लियर है तो दूसरा पॉजिटिव ही होगा, ये निगेटिव अगर है तो। ये देख लीजिए, आपको यहाँ ऐसे दो कैपेसिटर लेना है और इसको जो है ऐसे आपस में जोड़ देना है इस तरीके से। अब ये जुड़ गया, अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये डायोड है जो कि 1N, ये हमारा 5408। अब एक जो है इधर ये पॉजिटिव जा रहा है, यानी ये जो वाइट कलर का ये देख रहे हैं रिंग बना हुआ है, ये पॉजिटिव को इंडिकेट करेगा, और यहाँ पे देखिए ये इस साइड में ये पॉजिटिव को इंडिकेट करेगा, इसका निशान भी बता दिए हैं। अब सेम इसी तरीके से यहाँ पे दोनों डायोड को एक जो है नेगेटिव और एक पॉजिटिव आपस में जोड़ देंगे, जैसा कि जुड़ा हुआ है। अब देखिए, ये नेगेटिव वाला हम इसे जो है यहाँ पे ऐसे ये जुड़ गया। अभी आपका ये नेगेटिव, ये डायोड जो है यहाँ पे, ये जैसे एनोड है और ये कैथोड है, यानी कैथोड पॉजिटिव और एनोड यहाँ पे नेगेटिव। अब एनोड हमारा इधर जुड़ गया। अब दूसरा देखिए, ये जो है इसको हम रेड से कर देते हैं, ये सीधे आएगा और दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, यहाँ पे पिन से, ये ऐसे सीधे ऐसे। अब ये आपका इतना रेडी हो गया। अब देखिए कितना आसान है बनाना, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि जो भी पैसा लगेगा आप बनाकर भेज दीजिए, और कई लोगों के कमेंट थे, तो इतना आलस नहीं करना चाहिए आपको, बहुत इजी तरीके से बना लेना चाहिए। 2 मिनट 5 मिनट का काम है बनाना, और देखिए कितना इजी है। आप कहीं किसी बॉक्स का प्रयोग ना करें, दोनों को आपस में एक लॉक लगा के, प्लास्टिक वाला और कैपेसिटर को, और ऐसे इसी तरीके से आप इसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जैसे हमारा पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये और ये निगेटिव हो गया, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, इसको अंदर साइड में बनाते हैं।
अब ये माइनस और ये प्लस, अब क्या करेंगे, ये जो है प्लस, इसे ऐसे सीधे यहाँ पे इस बल्ब को इसके एक पॉइंट पे दे देंगे ये इसको, और दूसरा यहाँ से ऐसे इसके सीरीज में होते हुए इसे, अब देखिए इसमें जो है ये प्लस हमारा ये कंप्लीट हो गया। अभी आपको बताते हैं कैसे कैसे क्या करना है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है ये नेगेटिव, यानी ये कैथोड और ये एनोड। अब ये देखिए इस कैपेसिटर में, एक सेकंड, अब ये जो नेगेटिव यहाँ पे बन रहा है ये ऐसे सीधे जो है ये न्यूट्रल से जुड़ेगा ऐसे। अब यहाँ पे देखिए ये जो न्यूट्रल हमारा इन हो रहा है, यानी ये न्यूट्रल है और ये फेज है, ये फेज है और ये न्यूट्रल। अब यहाँ पे न्यूट्रल देखिए डायरेक्ट जो है यहाँ इससे नेगेटिव और पॉजिटिव जो बीच में मिल रहे हैं कैपेसिटर के, ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, और अब यहाँ पे क्या होगा कि ये सीधे जो है एक स्विच है यहाँ पे, जहाँ से लो और हाई चार्जिंग के लिए किया जाता है, यानी सीआरटी पिक्चर ट्यूब को जब चार्ज करना होगा तो एक लो कंडीशन में और एक हाई कंडीशन में किया जाता है। हाई कंडीशन में कब होता है अभी आगे आपको बताते हैं। अभी देख लीजिए यहाँ पे जो है हाई के लिए क्या करना होगा, ये नेगेटिव, ये वाली नेगेटिव, ये यहाँ स्विच पे आएगी, देखिए ये एक बल्ब से होते हुए ऐसे यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, इतना आप समझ सकते होंगे कि ये डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा क्रॉस होके। अब ये बल्ब के बाद ये सीधे दूसरा बल्ब का दूसरा सिरा ऐसे आ जाएगा इस स्विच पे, और ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव पॉइंट। अब ये जो प्लस हमारा ये बना, ये हो जाएगा G1, ये सीधे G1 पे जाएगा, और दूसरा ये जो बनेगा पॉइंट माइनस, ये हमारा G2 यानी CRT पिक्चर ट्यूब के ग्रिड 2 पे पहुंचेगा और ये ग्रिड 1 पे, और इन दोनों के बीच में एक बेल स्विच लगेगा, जो कि आपको चार्जिंग के बाद इस बेल स्विच को पुश कर देना है, जिससे ये दोनों डिस्चार्ज हो जाएंगे और ये बल्ब जल जाएगा। ये बेल स्विच हो गया। अब आप इसे ध्यान से देखें, इतने ही इसमें जो है सारा कंपोनेंट है, जो कि एक चार्जर बनाने के लिए आपके लिए बहुत इजी है। आप कोई भी बॉक्स ना बनाइए, वैसे केवल एक वायर के थ्रू, वायर को इतना मजबूत जोड़िए
बढ़िया से कि ऐसे दोनों बल्ब पड़े रहें और इस दोनों डायोड को इकट्ठा करके ज्वाइंट करके और इसी डायोड को यहाँ इसी कैपेसिटर पर लपेट दें और ये दोनों बल्ब को अलग अलग कर दें, यानी एक मजबूत वायर के थ्रू इस बल्ब को अलग अलग सिस्टम से कर दें और इसमें से केवल आप इस पॉइंट को निकाल लें ये दोनों। अब इसमें क्या करना है कि ये जो है यहाँ से ये तीनों कैथोड को चार्ज करेगा। ये कैथोड हो गए तीनों, यानी ये भी साथ में जुड़ेगा। अब इसके साथ में आपको क्या करना है, जैसा कि हम वीडियो में आपको बना के बता चुके हैं और उसमें जितना देर लगता है कैथोड को चार्ज होने में, यानी वो लाइव वीडियो है बिल्कुल हमारा बहुत पहले का, वो आप जाकर देख सकते हैं। इसके लिंक हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में और उसे देख सकते हैं कि कैसे कैसे स्टेप बाई स्टेप एक एक जो है कैथोड को चार्ज किए हैं। और इसे बहुत ध्यान से आप देखें, बहुत ही इजी है बनाने में। जैसे उस सर्किट को आप देख कर नहीं बना पाए हैं, लेकिन इसको हम जिस हिसाब से आपको दे रहे हैं सर्किट, ये बहुत इजी तरीके से आप बना लेंगे। एक जैसे खिलौना समझ लीजिए इसको, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए क्योंकि हम इसको बहुत ही इजी बता दिए हैं। आप देख लीजिए इस सर्किट को ध्यान से, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सीधे G1 पे चला जाएगा पॉजिटिव। अब G1 देखिए इसमें कहाँ है, ये स्मॉल नेक है यानी पतला नेक। अब इसमें देखिए G1 ये है 4 नंबर। अब इसमें क्या है G1, अब यहाँ पे G1 ये है, यानी ये जो ग्रिड 1 है ये अक्सर किसी किसी में ग्राउंड रहेगा और किसी किसी में एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के द्वारा रहेगा। ये इसमें आके ये सीधे पॉजिटिव जुड़ता है, ये वाला ये पॉजिटिव इसमें आकर जुड़ेगा। यानी जब हमको चार्ज करना होगा तो एक बेस ले लेना होगा अलग से और बेस के कनेक्शन को यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपको उस वीडियो में देख लीजिएगा, ये वीडियो बड़ी हो जाएगी और आपके लिए बेटर रहेगा। सिर्फ हम इसमें बनाने के लिए और चार्ज करने के लिए बताएं। इसमें आपको करना क्या है कि जैसे इसे हम मिटा देते हैं, बता देते हैं, एक एक का बता दे रहे हैं, बाकी आप इसे सबका कर लीजिएगा। ये NC है, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए इसमें आपको हीटर को सप्लाई देना है। अब हमारा पिक्चर ट्यूब कितना वीक है इस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आप नॉर्मल जो हमारा 6 वोल्ट AC का ये फिलामेंट सप्लाई होती है इस पे चार्ज करके देखिए। वैसे 7.5 वोल्ट तक आपको करना चाहिए अगर पिक्चर ट्यूब बहुत पुराना है तो। अब ये 7.5 यानी 8 वोल्ट 7 वोल्ट कहाँ से लाएंगे? इसके लिए हम आसान इजी तरीका ये बताते हैं कि आपके पास अगर कोई ट्रांसफार्मर ना हो, अगर नहीं मिल पा रहा है, तो एक छोटे से वायर से आप जो है एक कोई CRT की TV ले लीजिए जिसमें ST बन रही हो और वहीं से एक ST पे आप देखेंगे यहाँ पे उसके 3-4 टर्न लपेट के, यानी कोई फ्लेक्सिबल वायर ही ले लीजिए एक लंबा सा और उसे जो है ऐसे लपेट दीजिए 3-4 टर्न 5 टर्न और जिस पे ये जो है सप्लाई, यानी वो TV को चला दीजिए और फिर AC देखिए यहाँ पे 7 वोल्ट, पहले 7 वोल्ट पे देख लीजिए, उसके बाद जो है 7.5 कर लीजिए, फिर 8 वोल्ट कर लीजिए, फिर 9 वोल्ट कर लीजिए, जितने पे उठ जाता है वैसे कम वोल्टेज पे चार्ज करेंगे उतने बेटर रिस्पांस रहेगा। यानी 7 वोल्ट 8 वोल्ट तक आप चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद ये दोनों जो है यहाँ लाकर हीटर पे जोड़ दीजिए, वो TV अलग से केवल उसमें सप्लाई ले लीजिए और चार्जिंग पे लगा दीजिए। और आपको अगर कोई TV भी अवेलेबल ना हो तो ये लास्ट एनोड एक खतरा तो है, लेकिन इसे आप निकाल कर एक साइड में रख दीजिए इसका ऊपर और इसके हाथ मत लगाइए और इसमें जो है लपेट के इस हीटर को सप्लाई आप देके और इसे जो है चार्ज कर सकते हैं। वो कैसे चार्ज करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है ये ग्राउंड हट जाएगा, यानी जब केवल हम CRT बेस को लेंगे। अब ये देखिए ये सीधे क्या होगा, आकर ऐसे जुड़ जाएगा। अब ये पॉजिटिव यहाँ फिक्स हो गया आपका, ये प्लस। अब दूसरा बचा,
माइनस। अब माइनस को हमको क्या करना है, ये देखिए ये जी टू, अब जी टू जैसे इसमें है और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा रेड हो गया और जी टू ये 6 पॉइंट हो। अब यहाँ पे जो है इसे जोड़ देंगे, इसे अब ये हो गया नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब यहीं पे जो है एक एक कैथोड को आप देखो, ये इसी में से जो है एक वायर ले लीजिए, फिर इसको चार्ज कर लीजिए यानी रेड को, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट ब्लू को करिए, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए ग्रीन है, फिर ऐसे ग्रीन को जो है यहाँ पे एक एक करके ऐसे। अब ये हो गया, यहाँ पहले इस पर जोड़ दीजिए जी टू पे, और एक वायर लेके यानी छोटी सी चिमटी आती है उसे आप देखे होंगे वीडियो में, देख लीजिएगा, बस केवल आपको उस सीआरटी बेस पे लगा देना है। अब ऐसे ऐसे करके स्टेप वाइज स्टेप पहले यहाँ से स्टार्ट करिए, ब्लू को चार्ज करिए, या तो जिस टीवी में जो कैथोड वीक हो उसी को चार्ज करिए और अदर को मत चार्ज करिए, यानी जैसे हमारा रेड नहीं उठ रहा है, यानी रेड बहुत वीक है, बढ़ाने पे भी नहीं बढ़ता है सर्विस स्विच से, या जैसे जिस कंडीशन में आपको चार्ज करना हो, तो पहले एक एक करके देख लीजिए। और दूसरा उपाय है कि ओपन कर लीजिए सीआरटी बेस को, और उसके बाद जो है इसके पोजीशन को देखकर, या तो पहले उसी पे आपको एक सेकंड के लिए टच करके आपको देखना है कि किस कलर का जो है, यानी कोई डार्क आ रहा है कोई लो आ रहा है, तो जिस कलर का लो आए उसी को हमको चार्ज करना है। तो एक एक निगेटिव से आप पहले ऐसे कैथोड पे हल्का सा टच करेंगे तो आपको स्क्रीन पे एक कलर दिखाई देगा, फिर दूसरा टच करेंगे तो दूसरा कलर दिखाई देगा, यानी इसको टच करेंगे तो ब्लू और इसको टच करेंगे तो रेड, इसको टच करेंगे तो ग्रीन। इसी कंडीशन में पहले चेक कर लीजिए जो कलर वीक हो उसी को चार्ज करें, अगर सब कलर वीक है तो सबको स्टेप वाइज स्टेप, जैसे ब्लू हुआ, रेड हुआ और ग्रीन, ये सबको जो है स्टेप वाइज तीनों कलर को चार्ज कर सकते हैं। और फिलामेंट वोल्टेज के लिए ये है, और दूसरा कंडीशन ये है कि आपके पास कोई भी ट्रांसफार्मर 500 मिली एम्पीयर का, तो उसमें आप देखेंगे इस तरीके से, जैसे ट्रांसफार्मर है ये, अब इसमें क्या है ऐसे एक कॉइल बना है ऐसे, इधर हो गया आपका ये प्राइमरी, ये प्राइमरी हो गया जो कि इनपुट है, इनपुट 230 वोल्ट एसी। अब उसके बाद यहाँ से जो वायर निकलता है, मान लीजिए 012 का ले लिया आप, तो 012 का जो यहाँ से आपको दिखाते हैं, ये अंदर से जैसे ये निकला और ये 012 है, 012 ट्रांसफार्मर यानी 12 वोल्ट जैसे निकल रहा है। अब आपको क्या करना है कि जो अंदर से निकल रहा है ये वायर, तो इसमें ऐसे ऐसे जो है कई लेयर आपको दिखाई देंगे, उसमें से कोई जो सबसे ऊपर वाले पे 3-4 टर्न पहले यहाँ पे एक हल्का सा किसी चीज़ से, चिमटे से या किसी से, इसको थोड़ा सा उठा लीजिए वायर को, और हल्का सा उस पर स्क्रैच मार कर देखिए कहाँ पे जो हमारा 7 वोल्ट बन रहा है, जहाँ पे 7 वोल्ट बन रहा है यानी 1 एम्पियर ट्रांसफार्मर या 500 मिली एम्पियर, ये 500 मिली एम्पियर, ये कोई भी ट्रांसफार्मर हो 012 का, उससे आप आसानी से यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ से पहले 6 वोल्ट निकाल लीजिए एक टर्न से, फिर उसके बाद 7 वोल्ट निकाल लीजिए, फिर 8 वोल्ट 9 वोल्ट यहाँ से निकाल कर इससे भी जो है अपना काम कर सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर है, तो इतने इसमें जो है फंडा है, और जो कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि आप बना नहीं सकते। और रही बात पैसे की बात नहीं है, कि जैसा आप लोगों ने भी कमेंट किया है कि जो भी पैसा होगा हम देने के लिए तैयार हैं, आप भेज दीजिए,
ये बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं, और ये आपका पैसा भी बच जाएगा, ना कोरियर चार्ज लगेगा ना कोई अदर पैसा लगेगा। और दूसरी बात, यहाँ पे देखिए ये 15 वाट का बल्ब है, दोनों 15 वाट रहेंगे, इसे 0 वाट भी बोलते हैं, इसे रेड कलर का या जैसा भी हो। अब यहाँ पे देखिए, जब इसे लो कंडीशन पे करेंगे तब ये बल्ब नहीं जलेगा, केवल एक ही जलेगा, लेकिन जब इसे हाई पे चार्ज करेंगे तो ये कंडीशन इसमें आएगा, ये क्या होगा, जब इसे यहाँ पे चेंज करेंगे तो ये जुड़ जाएगा इससे, अब ये हो गया हाई मोड पे, अब ये काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे ये 600 वोल्ट पे ये जो है काम करेगा, और जब चार्ज होगा तो ये दोनों बल्ब जलेंगे, और बहुत वीक अगर वो जो CRT है यानी पिक्चर ट्यूब, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो है 600 वोल्ट पे आप चार्ज कर सकते हैं। ये हमारा 600 700 जैसा कैपेसिटर होगा, यानी कैपेसिटर हमारा यहाँ पे 100 mFD भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप 150 mFD भी ले सकते हैं, बस ध्यान इतने देना है कि ये 450 से कम ना रहे, ये 450 वोल्ट, यानी ये कम ना रहे, ये कम चल जाएगा, ये 220 तक आप इसके जो है पावर को बढ़ा घटा सकते हैं, 100 से लेकर जैसा ही आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से। केवल वोल्टेज को जो है कम नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे दोनों वोल्टेज जुड़ेंगे तो यहाँ 600-700 जो वोल्टेज बनता है, अगर ये वोल्टेज कम रहेगा तो ये कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाएगा। और रही बात दूसरी, यहाँ पे ये देखिए रेजिस्टेंस, यहाँ पे आप 5 वाट भी यूज कर सकते हैं और 10 वाट भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। और प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे एक ग्लास फ्यूज लगा लीजिए और एक ऑन ऑफ स्विच, और ये मेन प्लग बना लीजिए। इसी तरीके से आप यहाँ पे इसे डिज़ाइन कर सकते हैं इस चार्जर को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू दोस्तों।